जय श्री राम दोस्तों। नवरात्रों के दौरान ऐसा वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना, ये कोई ऊपर से कह सकते हैं कोई आदेश है जिसके लिए मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं जगत गुरु जो जग्गी वासुदेव जी हैं, उनका कोई शिष्य नहीं, कोई उनका मेंबर नहीं है, परंतु मैं हिंदू धर्म का एक फॉलोअर हूँ। मेरा जन्म, मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन जब मैं ज्योतिषी का काम करता हूँ, कोई मैं बाई बर्थ ज्योतिषी नहीं हूँ, एक प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला या एक एजुकेटर का मेरा जीवन रहा है। लेकिन जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पिछले 6 साल के दौरान। उस दौरान मेरी अध्यात्म की या स्पिरिचुअलिटी की एजुकेशन में कुछ ईश्वर के कृपा से मुझे स्टडी करने का मौका मिला। अब उस स्टडी करने का मौका मिलने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी को मैं, किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब हम सब अपना कर्म करने के लिए आए, कर्म करके जाएंगे, जो गलत कर्म करेंगे उनको गर्म कर्म का फल मिलेगा, और जो अच्छे कर्म करते हुए व्यक्ति को कोई कर्म करने से रोकेगा तो उसका तो नाम नहस्ती होगा। तो सबसे पहले जब हम इवन भगवान श्री राम इंसान के जन्म में आए या कृष्ण भगवान इंसान के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने भी वो कर्मा इंसान की कुंडली के हिसाब से अपने चक्र पर या उनपे वो फलित होता हुआ देखा। इसी प्रकार अगर इनकी कुंडली में देखेंगे, इनका 2 नंबर का लगन है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, और लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया है, जुपिटर और शुक्र के साथ है 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि सेवा की होती है या पिछले कर्मों को कुछ विशेष रूप से दिखाती है। गुरु और शुक्र सौम्य प्लेनेट है, तो पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों के अनुसार ये जीवन इनको कुछ प्राप्त हुआ। इसमें कुछ विशेष कर्म पिछले सब जन्म से संबंधित हैं। गुरु और शुक्र का मैं हमेशा कहता हूँ, एक वो पर्सन विशेष रूप से ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड। और हो सकता है, मेरा ऐसी धारणा है, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष ज्योतियों की ज्योतिष करने वाले भी बात काटते हैं, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहता, जिसकी जैसी बुद्धि वैसा करे काम। तो जो गुरु और शुक्र अगर किसी के भी जातक के चार्ट में मिलता है, उसको विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। जुपिटर और शुक्र बगैर भगवान के आशीर्वाद के या आपके परिवार के किसी व्यक्ति की प्रार्थना के विशेष के बगैर उस व्यक्ति का जन्म नहीं होगा। चाहे वो आपके मायके की साइड के हों, यानी अपने ननिहाल की साइड के हों, या आपके दादके की साइड हों, यानी मदर की फैमिली की साइड से, या पिताजी की फैमिली की। इसमें अभी मेरा इतना अध्ययन नहीं है कि मैं क्लियर करके आपको बता सकूं, लेकिन अगर किसी की भी जातक की गुरु और शुक्र अगर कुंडली में मिलता है, तो वो विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना किया हुआ या धार्मिक दर्शन करके वहां मन्नत मांगने के बाद किया हुआ व्यक्ति का जन्म तभी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो चले। और जो धार्मिक विशेष पाठ पूजा के बाद या धार्मिक या गुरु के आशीर्वाद के बाद जो संतान पैदा होता है, उसके जीवन में कुछ कठिनाइयां भी आती है, उसको कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और कठिनाइयां उसको रिलेशनशिप को लेके आती। मैंने बहुत सारे कुंडली अध्ययन के दौरान जिन व्यक्ति कंसल्टेंसी के लिए आए या अपना चार्ट अध्ययन करवाने के लिए आए, या विशेष रूप से जो मुझसे पढ़ने के लिए आए, उनकी कुंडली में बहुतों के जुपिटर वीनस था, और ये मैं वहां से प्रूफ और मेरे उससे पहले अपने स्टडी पर्पस के दौरान जो लिया उसके विशेष पे कहना। तो ये जातक का अगर मैं देखूंगा, अभी वैदिक के साथ मैं भृगु नंदी नाड़ी पे करूंगा, क्योंकि तो मेरे जो यूट्यूब पे बहुत से व्यक्ति आते हैं वो भृगु नंदी नाड़ी से इंटरेस्ट होते हैं, परंतु मैं अंदर से वैदिक ज्योतिष पे बहुत ऊपर रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भृगु नंदी नाड़ी को ऊपर नहीं रखता हूँ, लेकिन जो पहले शब्द निकलते हैं, अध्ययन करता हूँ, कहीं ना कहीं
रानी परंपरा के अनुसार मैं वैद्य इसको जुपिटर को, यानी जुपिटर के लिए आपका बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी और शुक्र के लिए आपको मृग मंदिर, मेरा ऐसा मानना, जो जिसका मैंने पहले ही कहा, जैसा जैसा मानना ईश्वर का वैसा वैसा उसको आशय। तो इस जातक के चार्ट के साथ हमने कहा ये जातक बहुत ही प्रार्थनाओं के बाद या विशेष कर्म के लिए भगवान के चुना गया, जन्म दिया गया। उस जन्म देने के साथ कठिनाइयां आनी थी, तो अभी वो अगर इनका जुपिटर मार्स का युद्ध चल रहा है, जुपिटर की महादशा है और मंगल का अंतरदशा, 2/12 है, ये ऊपर से इनकी कुंडली में बैठे भी 2/12 जुपिटर से मार्स गया। तो अभी आप देखेंगे मार्स पुलिस को कराता है और जुपिटर जो है, क्योंकि ये वीनस के साथ ही बैठा है, तो जातक के जीवन असेंडेंट के साथ रोल हो गया। पुलिस का एक्शन जहां पे भी इनके आश्रम है या जहां इनकी फाउंडेशन है वहां पे कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन ब्लेस चाइल्ड है तो कहीं से कहीं तो वो कृपा आनी है। वो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो काम देते गए हैं। ऊपर से अगर आप देखेंगे भी तो जो जुपिटर है इनके ट्रांजिट के ऊपर जो कर रहा है, 2 नंबर की राशि से लग्न के ऊपर से ही कर रहा है, और वो रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। जुपिटर को रोहिणी नक्षत्र बहुत प्रिय होता है, मैं डिग्री वाइज कोई अभी बात नहीं कर रहा उसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे जुपिटर का और केतु जो है वो 6 नंबर से कर रहा है, जुपिटर केतु का बहुत ही प्रोमिनेंट उनके चार्ट में रिलेशन हो रहा है, पीछे भी केतु है मार्स के साइड, तो कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाई दिख रही है। और कठिनाई का विशेष रूप इनको ये शायद मार्च से शुरू हो गया, अगर अप्रैल तक कोई ट्रीटमेंट, वहां मैंने कहीं अभी पढ़ा वीडियो बनाने से पहले देखा कि भी इनके जीवन में ये खाली यही पुलिस कार्रवाई नहीं दिख रही, क्योंकि मार्स देह का कारक है, बॉडी पे भी कहीं इफेक्ट आएगा चाहिए जब इनकी महादशा स्टार्ट हुई है या उसके आसपास से पहले वो एक्टिवेट होता है, तो ये कहीं हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह, वो ब्रेन का जो ब्लड क्लॉटिंग का या जो कुछ इस तरह का कुछ वो इमेज है वो आप समझ सकते हैं कि, क्योंकि मंगल जो है वो द्वादश भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, और मंगल द्वादश भाव और सप्तम भाव का स्वामी होने की वजह से वो कहीं ना कहीं वो फोर्थ हाउस में बैठा है। तो फोर्थ हाउस में जो कोई भी प्लेनेट जब बैठा होता है तो, और उसका खासकर 12th हाउस से कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो जीवन पे रिस्क की बात तो आ ही जाती है, ये मेरा मानना है। और ये क्योंकि जब जुपिटर मार्स की महादशा निकल जाएगी तो हो सकता है इससे पहले कुछ बड़ी इवेंट हो या नहीं है, तो ये कष्ट दिखता है। सिमिलरली अगर भृगु नंदी नाड़ी से देखेंगे, भृगु नंदी नाड़ी में भी अगर देखेंगे जुपिटर वीनस है, ब्लेस ब्लेस चाइल्ड जैसा मैं कहता हूँ 6 नंबर की राशि है, तो जातक को बहुत सारे अपने जीवन में क्या कहते हैं आपको काम करने पड़ेंगे। कैसे काम करने पड़ेंगे, जहां पर जातक को कंटिन्यूअस लर्निंग की बात हो सकती है, जहां पर जातक को कंटिन्यूअस लर्निंग की बात हो सकती है, या जातक को कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करने की बात हो सकती है, रिसर्च करने की बात हो सकती है, या जातक को विशेष रूप से जिंदगी में आगे मेटरलिस्टिक उसका गेन उठाने का, क्योंकि 6 नंबर वाले की एक वीकनेस होती है, 6 नंबर में अगर कोई ग्रह बैठा है वो उसमें रिसर्च करेगा, लेकिन उस रिसर्च का फायदा मेटरलिस्टिक रूप से वो परफेक्शनिस्ट बनने की भी कोशिश करेगा, ये राशि के हिसाब से है। तो ये इनके चार्ट में बाय बर्थ स्कोप है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड लिखा है मैंने कर्मा सिद्धांत नियम, पहले उसको समझने की कोशिश की, पिछले जन्मों के आधार पर केतु इनको 1 नंबर में मिला कहीं, यानी इनके कहीं पे भी डोमिनेट लीडरशिप या सोसाइटी में एक प्रोमिनेंट रोल करने के इनके वो बाय बर्थ इनकी पेन ड्राइव में लिख के आया हुआ है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए सैटर्न 8 की मदद लगेगी। सैटर्न 8 यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इनके जीवन में पहले जब ये बने होंगे इस स्टेज में आए होंगे उससे पहले बहुत सारे रिसर्च की होगी या बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा या बहुत सारे दुख से गुजरे होंगे, तभी ये इनका केतु 1 के नंबर का है। तो उसके बाद फाइनली क्या मिलना है, कि राहु से मिलना है, राहु इनका सप्तम भाव में है, वो बिजनेसमैन बनाता है, वो बैलेंस पर्सन बनाता है, तो ये एक तरह से बिजनेसमैन भी बने होंगे, यानी ग्रोथ की होगी अपनी जो भी की होगी, जैसे बिजनेसमैन क्या होता है वो लाभ कमाता है या उसको ग्रो करता है अपना जो काम कर रहा है, और वो बैलेंस व्यक्ति बन जाता है जिंदगी में। अगर ये इनकी जिंदगी में रहा है सैटर्न
केतु सैटर्न राहु का किसी की भी जिंदगी में रहेगा, मेरी भी रहेगा, आपकी भी रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कर्म सिद्धांत नियम के अनुसार अगर इन्होंने काम किया है तो इनको घबराने की जरूरत ही नहीं है। इनका एनर्जी वैसा प्रॉपर लगा हुआ है वो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो विशेष रूप से सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो वैदिक में कहा गया कि केतु बाढ़ में हो मोक्ष मिलता है, पर मोक्ष की मैं बात इस तरीके से नहीं देखता। वो जब कभी भगवान मौका देगा फिर तो दोबारा बात करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर इन्होंने केतु सैटर्न राहु का काम अच्छे से किया है और जिंदगी इनकी चली है तो ये तो ब्लेस्ड चाइल्ड है, इनका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन इस टाइम जो जो हिंदू धर्म पे अटैक करने के लिए या हिंदू धर्म के विरुद्ध लोग जो साजिश काम कर रहे हैं, ये हिंदुओं को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा आ रहा है कि वो अपने आप ही ये जो बुराई है वो मिटने के कगार पर है। हमने कभी हिंदुओं ने किसी धर्म दूसरे धर्म के प्रति ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कोई हिंदुओं के प्रति कह रहा है तो हमारे ईश्वर बैठे हैं, सिचुएशन ऐसी जरूर बनेगी। चाहे वो व्यक्तियों को हिम्मत दें, चाहे अपने धर्म की प्रोटेक्शन करें, या भगवान किसी रूप में आके हमारी मदद करें। तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म के बढ़ावे को नहीं रुकना चाहिए। आप अपने विश्वास के साथ लगे रहिए। हर व्यक्ति अपना कर्म करने के लिए आया है, तो ये भी अपना कर्म करने के लिए आए हैं, हम भी अपना कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। मेरा सिर्फ यही है कि कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको कभी भी जिंदगी में किसी से डरना नहीं चाहिए। जय माता दी, जय श्री।